हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके दिसंबर 2019 टाम एंड एग्जामिनेशंस के लिए इग्नू की तरफ से जो बड़े चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पे अपना एग्ज़ाम फॉर्म देख लीजिए। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। दोस्तों, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इन सभी बातों के बारे में बताया था, लेकिन उनके अलावा काफ़ी ऐसी बातें हैं जिनके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं प्री रिक्विजाइट फॉर द सबमिशन ऑफ द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म। आपको यहाँ पे ये कुछ टर्म्स कंडीशंस दी हुई हैं। अगर आप इन टर्म्स कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो ही आप यहाँ पे दिसंबर 2019 में अपने एग्जाम्स में बैठिएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पर अपना लॉस कर बैठेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर टर्म्स कंडीशंस चेक कर सकते हैं। आप यहां पे सिर्फ उन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे हैव ऑलरेडी सबमिटेड द असाइनमेंट्स एज एप्लीकेबल फॉर द कोर्सेज फॉर विच दे आर सबमिटिंग एग्जामिनेशन फॉर्म। हॉल टिकट विल नॉट बी अपलोडेड और इश्यूड फॉर द कोर्सेज फॉर विच दे आर नॉट एलिजिबल एंड फॉर विच असाइनमेंट्स हैव नॉट बीन सबमिटेड बाय द स्टूडेंट। अगर दोस्तों आप अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाते हैं तो आपकी हॉल टिकट यहां पे जनरेट नहीं की जाएगी। दोस्तों, मैं आपको फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने असाइनमेंट्स वेल इन टाइम अपने स्टडी सेंटर में जमा करवा दीजिएगा। आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए 30 सितंबर लास्ट डेट दी गई है। दोस्तों, हो सकता है कि आपकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन अभी तक इग्नू की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया जिससे आप ये समझ सकें कि आपकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। दोस्तों, आप अगर अपने असाइनमेंट्स के लिए सोल्ड असाइनमेंट पीडीएफ मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट करके और अपनी असाइनमेंट्स के लिए सोल्ड असाइनमेंट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोल्ड असाइनमेंट पीडीएफ परचेज करके और उन्हें अपनी हैंड राइटिंग में लिख के अपने स्टडी सेंटर में जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने जून 2019 में अपने एग्ज़ाम्स दिए थे, अगर आप फेल हो गए हैं या फिर आपके रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में है तो आपको भी यही एडवाइस किया जाता है कि आप लास्ट डेट से पहले अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट चेंज जो इग्नू की तरफ से इस बार देखने को मिला है कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने FST या BSHF का एग्ज़ाम देना है, आप सभी के लिए यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाली सिचुएशन है, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स करके यही बोला है कि क्या हमें BSHF का और FST का दो बार एग्ज़ाम देना होगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है द एग्ज़ाम्स ऑफ फाउंडेशन कोर्स FST एंड BSHF विल बी हेल्ड ट्वाइस। मतलब यहाँ पे आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स इस लाइन को पढ़ के और टेंशन में हो गए। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपना एग्ज़ाम एक सब्जेक्ट का एक ही बार देना है। आप में से जो भी स्टूडेंट्स BA और BCOM वाले हैं उनका FST का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा 28 दिसंबर को, और जो BSc या उसके अलावा कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे BSW, BTS वाले, उन सभी का 7 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, BSHF के लिए जो BA और BCOM वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 9 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, और BSc और बाकी जो भी प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 17 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट चेंज की, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को इसके लिए मिसगाइड किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर्स टू द क्वेश्चंस ओनली इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड। आंसर स्क्रिप्ट्स रिटन इन एनी अदर रीजनल लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम्स आर नॉट ऑफर्ड विल नॉट बी इवेल्युएटेड एंड द सेम विल बी कैंसल्ड विदाउट एनी इंटीमेशन टू द स्टूडेंट्स। इन सच केसेस द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू रीअपियर इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों, आपको काफ़ी YouTube चैनल्स पे मिसगाइड किया जा रहा है कि आपको जो भी आपका मीडियम है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको उसी में एग्ज़ाम देना है। आप यहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे अपना मीडियम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आप हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर अगर हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ है तो आप अगर हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो आप उसे दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस नोट को डालने का ये मतलब है कि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हिंदी या फिर इंग्लिश लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपना रीजनल लैंग्वेज में अपनी आंसर शीट में लिख देते हैं। जैसे पंजाबी वाले स्टूडेंट्स पंजाबी लिखना स्टार्ट कर देते हैं उड़िया मीडियम वाले उड़िया में, बंगाली वाले बांग्ला लिखना स्टार्ट कर देते हैं।
लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में ही अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पेज के बारे में। आप अगर यहाँ पे अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज में भी यही इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको 150 रुपीज़ पर कोर्स पेमेंट करना होगा। दोस्तों ये पहले आपकी 120 रुपीज़ थी, जिसे अभी चेंज कर दिया गया, अभी ये आपकी 150 रुपीज़ पर कोर्स दी हुई है। दोस्तों यहाँ पे भी सेकेंड पॉइंट पे लिखा हुआ है द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट्स एज एप्लीकेबल फॉर द कोर्सेज फिल्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर्म हैव बीन सबमिटेड। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको बार बार यही बताया जा रहा है कि आपको अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर में टाइम से जमा करने हैं। दोस्तों फोर्थ पॉइंट में आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, बोल्ड में लिखा हुआ है इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ द अबव कंडीशंस कैंडिडेचर फॉर द अपियरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड नो होल टिकट विल बी इश्यूड। मतलब आप अगर ये जो ऊपर टर्म्स कंडीशंस दी हुई हैं इन्हें फुलफिल नहीं करते हैं, आप इनमें से किसी भी टर्म्स कंडीशंस को मिस कर देते हैं तो आपकी होल टिकट जनरेट नहीं की जाएगी। दोस्तों इसी में नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप में से जो स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे यस के ऑप्शन को सेलेक्ट करके और अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया होगा, क्योंकि मैंने भी आपको यही गाइड किया था कि आप यहाँ पे अपने असाइनमेंट्स के लिए आपने सबमिट किए या नहीं किए उसमें यस के ऑप्शन को सेलेक्ट करके और अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको भी यहाँ पे फिर से टर्म्स कंडीशंस दी हुई है, ये आपके सामने थर्ड वाला पेज है जहाँ पे आपको लगातार यही बोला जा रहा है कि आपको अपने असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट करने हैं। और आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका अगर री एडमिशन का टाइम पूरा हो गया है तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में यू हैव सबमिटेड ऑल द असाइनमेंट्स फॉर द कोर्सेज बीइंग ऑप्टेड फॉर एग्जामिनेशन। सो दोस्तों आप इन टर्म्स कंडीशंस को अच्छे तरीके से पढ़ के और फिर अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं तो दोस्तों जल्दी से आप अपने असाइनमेंट्स अपने स्टडी सेंटर में सबमिट कर दीजिएगा। आपके असाइनमेंट के लिए 30th September लास्ट डेट दी गई है। दोस्तों मैं आपको फिर से यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर अपने असाइनमेंट्स बनाने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सोल्ड असाइनमेंट PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आप में से जो भी स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर चुके हैं वो सभी स्टूडेंट्स एक बार अपना एक्नॉलेजमेंट कार्ड ज़रूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों ये आपका एक्नॉलेजमेंट कार्ड, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने किन किन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एक्सेप्ट कर लिए गए। हो सकता है कि आपने यहाँ पे 6 सब्जेक्ट के लिए अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया होगा लेकिन किसी टर्म्स कंडीशंस की वजह से आपके सब्जेक्ट को यहाँ पे हटा दिया गया होगा। सो दोस्तों आप अपना एक्नॉलेजमेंट कार्ड ज़रूर चेक कर लीजिए। आपके एक्नॉलेजमेंट कार्ड में चेक करने से आपको आपके डेट शीट के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों इग्नू में इस बार दिसंबर 2019 में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं, इसलिए आप कोई भी वीडियोस मिस ना करें। दोस्तों वीडियोस को पूरा ज़रूर देखा कीजिए क्योंकि लास्ट तक आपको वीडियो में कोई ना कोई ज़रूर काम की बात बताई जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।